ये भी तो शिव भक्त हैं, ये भी तो शंकर के भक्त हैं। एक व्यक्ति के भीतर भी अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं महाकाल के मंदिर में इनको इस भाव से दर्शन करा सकता हूं। किसी के मन में ये ना आए कि आप महाकाल का दर्शन इन भक्तों को करा रहे हो, ये अभिमान आपके भीतर नहीं आना चाहिए। वो तो महाकाल ने ना जाने कौन से तेरी भाग्य अच्छे होंगे जो तो तेरी ड्यूटी महाकाल ने अपने चरणों में लगा कर रखी है। ये तेरा किस्मत है, तेरे जैसे ना जाने कितने महाकाल ने झारखंड के जंगल में छोड़ रखे हैं, रोज गोलियां झेल रहे हैं, और तू उनके दरवाजे पर खड़े होकर भक्तों के जय घोष नहीं झेल पा रहा है, और उसमें भी अहंकार, हम दर्शन कर रहे जाओ धक्का धक्का धक्का। अरे एक क्षण उस काल अधिपति से नैन तो मिलाने दे रहे, एक क्षण उसका दर्शन तो करने दो रे। पैसा लगाकर हजारों किलोमीटर से लोग आते हैं, उनको दिल से दिल तो लगा लेने दो रे। एक क्षण किस अभिमान में जी रहे हो, किस अहंकार में जी रहे हो? जरा सी देर में तुमने कह दिया जल्दी जल्दी बाहर निकलो, दर्शन नहीं करने देना, दर्शन नहीं करने देना। अरे उसको धन्यवाद दो जो उसने अपने चरणों की नौकरी दी है, नहीं तो ना जाने कहां कहां ठोकर खाते रहते रे, कहां कहां पड़े रहते। ये अभिमान में मत जीना। थोड़ा सीओर वाला महाराज कड़क बोलता है, और आज बोलेंगे और कल छप जाएगा, और छापने वाला कितना भी छापते रहे आग लगे बस्ती में, और अपन रहो मस्ती में। कब तक रोएंगे कि ये बोल दिया वो बोल दिया, ये छाप दिया वो कर दिया। छापो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो लिखो, पर व्यासपीठ से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप भगवान भोलेनाथ की साक्षी में जब खड़े हो तो ये विश्वास मानकर चलना कि महादेव ने आपको अपने चरणों से लगा कर रखा है। कुछ तो तुम में खूबी होगी जो महादेव ने अपने चरणों की ड्यूटी दी है। कहां पटकता वो उसको ही नहीं मालूम है, लगाया उसने आपको चरणों में, अपने चरणों में लगा कर रखा है, अपने पास लगा कर रखा है। ये मेरा अपना है जो इतने भक्तों को दर्शन करा रहा है, प्रसन्नता लुटाते रहना। आओ साहब महाकाल से नैन मिलाओ साहब, आओ साहब दर्शन करो साहब, आओ साहब आओ साहब निकलो, तुम्हारे पीछे और खड़े हैं साहब, जल्दी चलो साहब। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, नैन मिलाते जाओ, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल कहते जाओ, प्रसन्नता में कहो, स्माइल दीजिए, स्माइल, थोड़ी खुशियां लौटाइए, प्रसन्नता देकर चलो। यह उज्जैन है मेरा, यह अवंतिकापुरी है मेरी, ये महाकाल की नगरी है मेरी, जहां सेवा का प्रकल्प आगे बढ़ता है। कोई माँ छिपरा को स्वच्छ बनाने में लगा हुआ है, कोई हमारे उज्जैन को स्वच्छ बनाने में लगा हुआ है, कोई मंदिरों के आनंद स्वच्छता में लगा हुआ है। बड़ी दुकान खोलो, बड़ा घर बनाओ, बड़ा बंगला बनाओ, बड़ी गाड़ी लो, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठो, तुम्हारी मर्जी पड़े जितने बड़े बनना हो बन जाओ, पर बड़े बोल, बड़े शब्द और बड़ी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना। अपनी वाणी से कोई ऐसा शब्द किसी को अपमान का ना निकल जाए जिससे उसको तकलीफ हो। इसलिए जब दर्शन कराओ मेरे काल अधिपति के, तब कहो आओ साहब जय श्री, जरा जमके तो बोलो जय श्री महाकाल। दर्शन प्रेम से कराओ, भजन प्रेम से करो, भक्ति प्रेम से करो।